अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली इलाके में मां ने अपने दो मासूम बच्चों की हत्या करके खुद को मौत के गले लगा लिया। सेंतली गांव में साइमा नाम की 26 वर्षीय विवाहिता ने अपने 2.5 वर्षीय बेटी नजमा और 1.5 वर्षीय बेटा हैदर अली की हत्या कर खुद फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी लगते ही गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। परिजनों ने बताया कि मृतक साइमा की शादी 4 साल पहले सेंतली गांव में हुई थी, जिसके कुछ समय बाद ही मृतका मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी। परिजनों को आशंका है कि बीमारी के चलते ही मृतक साइमा ने ये कदम उठाया। इस दुखद घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मानसिक दिमाग जो था खराब था, मानसिकता इसकी ज्यादा नाजुक थी। वैसे रहन सहन में सही थी, मगर कभी इसे 4 दिन में 8 दिन में यही उमंग उठती थी, मतलब नंगी हुई और उठकर ये भाग ली। दिल्ली से इसका इलाज चल रहा है करीबन 1 साल से लगभग। मुरादाबाद 5-6 महीने हो गए, 6 महीने से दिल्ली मुरादाबाद में भी इलाज किया। ये अपने साड़ू के यहाँ, मतलब अपनी बहन के यहाँ भी मैं जाकर रही है वहाँ, वो भी बेचारे लेकर गए, बहुत इमदाद दी उन्होंने भी। तो प्रधान जी आज कैसे आपको? आप सर ये नहीं कह सकते कैसे हुआ। बहरहाल इसने पहले अपने बच्चों को मारा, क्या करा, खुद सुसाइड करा इसने, जैसे करा ये इसका मंजर तो अल्लाह जाने या ये जाने क्या हुआ। ऐसा हमारा भाई उठ के गया, इसने जब जाके देखा तो इसने शोर मचाया, सारे लोग यहाँ से उठ के गए। ये कितने दिन पहले शादी हुई थी इनकी? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए तो शादी के बाद ही इस तरह की बीमारी? हाँ। इलाज अभी कहाँ से चल रहा था इनका? अब तो फिलहाल दिल्ली से इलाज चल रहा था। जब इस बारे में SP विपिन ताड़ा से बात की गई तो उन्होंने बताया अभी बच्चों की मौत का कारण पता नहीं चला है, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। डिडौली में सैंतली गांव में एक युवती और 2 बच्चों के शव घर में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस तत्काल यहां पहुंची है। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो युवती है उसका बताया जाता है मानसिक स्थिति काफ़ी समय से खराब थी। परिजनों से और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी और जो घरवालों की तहरीर होगी उसके आधार पर आगे इसमें कार्यवाही की जाएगी। हालांकि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर एक मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़ों को मौत की नींद क्यों सुला दिया। पंजाब केसरी टीवी के अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।